हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। यकीनन आपने भूतिया बंगले की कहानियां कई सुनी होंगी। आप ऐसे घरों के बारे में भी जानते होंगे जहां पर भूत प्रेत निवास करते हैं, चुड़ैलें निवास करती हैं, पिशाच तक की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ऐसे भूतिया बंगले की कहानी कभी नहीं सुनी होगी जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसे सुनकर जरूर ही आज आपकी नींद भी खराब होने वाली है और आपको शायद सपनों में भी ऐसे ही दृश्य नजर आएंगे। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर हिमांशु ने भेजी है और उन्होंने ये बताया है कि ये उनके साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा था तो कुछ समय के लिए मुझे भी बहुत अजीब लगा था, क्योंकि ऐसी कहानी मैंने भी कभी नहीं सुनी थी जहां ऐसी घटनाएं किसी घर में, किसी बंगले में हुई हों। तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हिमांशु दिल्ली के रहने वाले हैं और वहां पर एक कंपनी में काम करते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर भी हिमांशु एक अलग कंपनी में काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़े होने का सुख जो होता है वो इस तरह पिता के पैसे उड़ाने में नहीं मिलता। शायद स्कूल में हर कोई उसे ताना मारा करता था कि तुम्हारे पिता के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे पास पुश्तैनी पैसे ही हैं, क्योंकि वो राजस्थान से आए हुए थे और वहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं, वहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा बंगले थे। किसी ज़माने में वो राजा रजवाड़े इस तरह हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे, और उसके बाद उसके पिता यहाँ दिल्ली में आ गए थे, यहाँ एक बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया था और उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं। इसीलिए जब हिमांशु अपने स्कूल में जाता था तो वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं था। सब बच्चे कहा करते कि तुम्हारे पिता के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि तुमने खुद नहीं कमाए हैं, तुम्हारे पास पुश्तैनी पैसे हैं। यही बात थी जो हिमांशु के अंदर घर कर गई थी। जैसे ही उसने ग्रेजुएशन की, उसके पिता कह रहे थे कि हमारा बिजनेस है, इसे संभालो, लेकिन हिमांशु दो चीज़ों पर अड़ा हुआ था। एक तो बचपन में जो उसके दोस्त थे जो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे, ये बात, इसी कारण वो अपना एक काम करना चाहता था, अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। दूसरा ये था कि वो अभी थोड़ी ऐश करना चाहता था। अगर पिता के साथ उस बिजनेस पे लग जाता शायद वो ऐश नहीं कर पाता, क्योंकि पिता की आंखों के सामने रहता, उसे घूमने फिरने का शौक था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का शौक था और शायद उसके पिता ये सब करने नहीं देते। पिता बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड थे। उसके पिता का मानना था कि ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि दोस्त जितने कम हो उतना ही अच्छा होता है, सच्चे दोस्त बहुत कम होने चाहिए। बाकी दोस्त वैसे ही आपका फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं करते, बस आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपका माइंडसेट छोटा करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो जिनका माइंडसेट अच्छा हो, बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ मिलो। लेकिन हिमांशु अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे भी थे उसके दोस्त थे और उस कंपनी में उसके दोस्त भी काम करते थे और हिमांशु भी अब वहीं पर काम करने लगा था। लेकिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। पिता ने एक छोटी गाड़ी दे रखी थी और उस गाड़ी में बैठकर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते। वहाँ उसके दोस्त थे, एक का नाम था रोहित, त्रिशा और पुनीत। ये तीन दोस्त थे और इन चारों की चौकड़ी वहाँ कंपनी में बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाया करते और ये गाड़ी उठाकर जब भी छुट्टी होती कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाते। अब एक साल यहाँ पर उन्होंने काम किया था। उसके दोस्त हिमांशु को हमेशा कहा करते थे, तुम तो राज घराने से हो, यानी कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, बहुत बंगले हुआ करते थे, राजस्थान में तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, तुम वहाँ पर कभी क्यों नहीं जाते। हिमांशु हमेशा कह देता, पिताजी कहते हैं कि वो ज़मीनें हमने ज़्यादातर बेच दी हैं, कुछ पड़ी हैं बहुत ज़्यादा खंडहर हैं और उन्हें कोई भी मालिक नहीं मिल रहा, यानी खरीदने वाला नहीं मिल रहा, गांव में पीछे की तरफ बनी हुई हैं, ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं, यहाँ बिजनेस से अच्छी खासी कमाई हो रही है, जितनी हमारे पुरखों ने नहीं कमाए उतने पिताजी ने कमा लिए हैं, इसलिए वो कहते हैं उस ज़मीन को पड़ा रहने दो, अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो करने दो। लेकिन उसके दोस्त कह रहे थे, देखो देखना तो पड़ेगा ना, तुम्हारे पास कौन कौन सी ज़मीन है तुम्हें देखनी चाहिए। और इस तरह वो राजस्थान भी घूमना चाहते थे, उसके दोस्त कभी गए नहीं थे। उन्होंने प्लान बनाया था कि वो उस जगह जाएंगे जो हिमांशु की पुश्तैनी ज़मीन होगी। वहाँ पर हिमांशु ने पता कर लिया था, एक गांव में उनका एक बंगला था, बड़ा सा बंगला और पीछे काफ़ी खेत, गाँव वाले उन खेतों का इस्तेमाल कर रहे थे और वहाँ खबर पहुँचा दी गई थी कि हिमांशु आने वाला है।
अब इसके बाद गांव वालों ने उस बंगले की सफाई करवा दी थी, खेत भी आसपास साफ करवा दिए थे और हिमांशु उस जगह बस घूमने जाना चाहता था। उन्हें तंग करना नहीं चाहता था या ऐसा नहीं करना चाहता था कि हक जमाने के लिए जा रहा हो। उसने कह दिया था एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं। वैसे भी राजस्थान घूमना था और उन्हें फार्म हाउस या खाली जगह पर जाना पसंद था। ज़्यादा घूमना चलना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, बस अलग जगह जाते, छुट्टियाँ मनाते और वापस आ जाते। और इस बार 10 दिन के लिए वो उस राजस्थान के गांव में जा रहे थे जहां उनका एक पुश्तैनी बंगला था, बड़ा सा हिमांशु का। अब वहां पर लगभग 6 घंटे की ड्राइव करके पहुंचे थे, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, गांव काफ़ी पुराना था। सड़कें भले ही नई बनी हुई थी लेकिन टूटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हुई। गाड़ी काफ़ी धीमी चल रही थी और वहां पहुंचते 6 से 7 घंटे लग गए। वो 12 बजे चले थे और शाम को जाकर वहाँ पहुँचे थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था लेकिन गांव वाले बहुत अच्छे थे। गांव वालों ने जैसे ही एक गाड़ी देखी जो दिल्ली से आई है, उन्होंने फ़ोन करके पहले ही बता दिया था। उन्होंने बहुत आवभगत की, यानी कि अपने अपने घर में खाना खिलाया, बिठाया, बातें की। उनके पुश्तैनी जो भी पूर्वज थे उनकी बातें शुरू हो गई। अब हिमांशु के पिता की बातें शुरू हो गई कि कभी कभी वो यहाँ पर भी आते हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं, कहीं पर कोई घर मौजूद है, कहीं कोई खेत मौजूद है। बहुत सारी ज़मीनें उन्होंने दान कर रखी थी। अब हिमांशु वहां पर आया था, यानी कि उनका ही वारिस यहां पर आया था, तो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। अब हिमांशु शुरू से चाहता था कि वो बड़े बंगले की सफाई करवा दी जाए, हम वहां पर रहने वाले हैं। गाँव वाले यहाँ आने की बात ज़िद करने लगे थे, आप हमारे घर में रहिए, आप हमारे घर में रहिए। अब गांव वाले भी बड़े बड़े खेतों को जोता करते थे, वहाँ जो भी ज़मीन थी उसका इस्तेमाल करते थे। वहाँ छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ आसपास के गांव में लग चुकी थी, उनके पास कुछ पैसे थे और अच्छे घर उन्होंने बना रखे थे। 2-3 मंजिला घर बने हुए थे उस गाँव में और उन्होंने कुछ घर थे खाली कर रखे थे और उनका कहना था कि हिमांशु को वहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन हिमांशु की ज़िद थी कि वो उस बंगले में ही रहेंगे। अब ज़िद के आगे गाँव वाले क्या करते, गांव वाले मान गए और उन्होंने उसी शाम 8 बजे अपना सामान उस 3 मंजिला बंगले के बिल्कुल नीचे वाले एक कमरे में रखवा दिया। कई कमरों को बंद किया गया था, वहां ताले हिमांशु ने खुलवाए थे। गांव वाले कह रहे थे इन तालों को लगा रहने दो, यहां पर कुछ सामान पड़ा है, पुराना सामान है, कपड़े हैं, वो इज्जत करते हैं, इन चीज़ों को यहीं पड़ा रहने दीजिए। हिमांशु कह रहा था कि घर हमारा है, ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों का बंगला है, मैं देखना चाहूँगा कहाँ कहाँ क्या पड़ा है। गांव वालों ने रोका था लेकिन वो समझे नहीं थे। गांव वाले किस लिए रोक रहे थे उन्हें पहले लगा, शायद गांव वाले लालच कर रहे हैं कि इस बंगले को मैं इस तरह हथियार ना लूँ, यानी हिमांशु हथियार ना ले, यहाँ पर अपना हक ना जताए, इसे बेच ना दे। लेकिन उस रात उसे इसका पता चलने वाला था गाँव वाले क्यों रोक रहे हैं। खाना वाना तो उस गाँव वालों ने घर में ही खिलवा दिया था। अब यहाँ पर ये रहने के लिए आए हुए थे 4 की चौकड़ी। अब एक कमरा तो त्रिशा को दे दिया गया था। अब एक कमरे में ये तीनों लड़के एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। त्रिशा को जल्दी सोने की आदत थी, इसलिए त्रिशा तो 9 बजे 9:30 बजे ही सोने के लिए चली गई थी और उसके बाद ये तीनों मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 10 बजे के करीब त्रिशा की चीखने की आवाज़ आई और वो चीख बहुत ही भयानक थी। अब ये तीनों डर गए और सबसे ज़्यादा डरा था हिमांशु। हिमांशु घबरा गया था कि त्रिशा इतनी ज़्यादा घबरा क्यों गई है। अब हिमांशु को त्रिशा बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसने बहुत बार प्रपोज भी किया था, लेकिन त्रिशा अभी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, यानी कि वो भी हिमांशु को थोड़ा बहुत पसंद करती थी लेकिन कभी हाँ नहीं कही थी। अब हिमांशु के जो होश थे उड़ चुके थे कि त्रिशा इस तरह से चिल्लाई क्यों है, क्या उस कमरे में कोई आया है। अब भाग कर तीनों उस कमरे में पहुँचे। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे त्रिशा सामने सो रही थी, उसको पता ही नहीं कि चीख की आवाज़ आई है। अब तीनों ने पहले तो त्रिशा को उठाया, उसके बाद पूछा तुम क्यों चीखी थी। ये आवाज़ त्रिशा जैसी ही थी जैसे कोई लड़की चीखी हो, बिल्कुल वैसी आवाज़ वाली, और उसी कमरे से आवाज़ आई थी क्योंकि उनका कमरा भी बिल्कुल साथ था। वहाँ वो सामने खड़े होकर त्रिशा से पूछने लगे, जबकि त्रिशा ने माना ही नहीं। वो कहने लगी मैं तो सपने में थी और डरावना सपना भी नहीं था कोई, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गए। वो अपने कमरे में थे, उन्हें पता था कि ये 3 मंजिला बंगला है, बड़ा बंगला था और वहाँ कई कमरे थे, साफ सफाई करवा दी गई थी। उसके बाद लगभग 11 बजे वो तीनों एक बेड पर लेटे हुए थे और ऊपर वाली मंजिल से आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें भारी चीज़ को घसीटने की आवाज़ें थी, ऐसा लग रहा था कोई भारी चीज़, जिस तरह से कोई पेटी, जो गांव में पेटी होती है ना, बड़ी सी, बड़ा सा बक्सा होता है लोहे का, उसमें सामान रखा जाता है, अगर आपको पता हो तो, उस पेटी को जैसे घसीटा जा रहा हो, लोहे के खींचने की आवाज़ आ रही थी, भारी आवाज़ छत से आ रही थी। तीनों घबरा गए,
अब तीनों की नींद खुल चुकी थी। इसके बाद वो भागते हुए ऊपर की तरफ गए कि ऊपर कौन है। हमारा ये बंगला सिर्फ हमें दिया गया है और यहाँ पर कोई नहीं रहता, गांव वालों ने तो ये कहा था, लेकिन ऊपर सामान घसीटा जा रहा है, हो सकता है अब दरवाजे खोले गए हैं, कोई चोर भी अंदर घुस आया हो। देखने के लिए वो ऊपर पहुंचे थे, लेकिन ऊपर ना कोई निशान ना कोई कमरा खुला था, हर कमरे की कुंडी लगी हुई थी। उन्होंने भी एक एक करके कमरा खोलना शुरू कर दिया। हर कमरे में सामान बिल्कुल सही से टिका हुआ था। वो जमीन को देख रहे थे क्योंकि जो घसीटने की आवाज़ थी वो नीचे आई थी, तो ऊपर फर्श पर निशान बने होंगे, भारी चीज़ घसीटी गई थी। लेकिन हर कमरे का फर्श बिल्कुल साफ, कुछ भी घसीटा नहीं गया था, मिट्टी को बिल्कुल साफ किया गया था। ऐसा लग रहा था सफाई की गई है हर कमरे की, हर चीज़ के ऊपर से मिट्टी साफ की गई हो। अब उसके बाद वो नीचे आ गए। अब पूरी रात थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती रहीं, कभी बाहर से आवाज़ें आती, कभी कुत्तों के रोने की आवाज़ें आती, कभी ऊपर सामान गिरने की आवाज़ें आती। उन्हें लगता कोई जानवर होगा, या इस घर से ऐसी आवाज़ें आती होंगी, या आस पड़ोस में जो गांव वालों के घर हैं वहां से आवाज़ें आती होंगी। पूरी रात वो सो नहीं पाए थे और सुबह जब उठे थे तो उनकी नींद आधी अधूरी सी थी, क्योंकि बार बार नींद खुलती जाती और वैसे भी वो तीनों एक बेड पर थे और उन्होंने सोचा था कि आज इस तरह से सो रहे हैं, कल हम अलग अलग कमरा ही ले लेंगे और आराम से सोएंगे। अब अगले दिन उन्होंने सोचा था कि गांव को एक्सप्लोर करेंगे, इस गांव में और क्या क्या है। आगे एक झील जैसी थी, कुछ पेड़ लगे हुए थे, टूटे फूटे खंडहर किले जैसे थे, वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। क्योंकि हिमांशु को बताया गया था कि उसके पूर्वज यहाँ पर राज किया करते थे, यहाँ ज़मींदार भी बड़े बड़े हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें दान की हुई हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ कुछ टीले थे, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बिल्कुल बंजर वो थी, उस पर चढ़कर तस्वीरें काफ़ी अच्छी आती। और पूरा दिन वो यही करते रहे, वो चारों अलग अलग जगह पर जाते, तापमान थोड़ा ज़्यादा होता, कुछ परेशानी होती, लेकिन फिर भी उन्हें मज़ा आ रहा था। वो घूमते फिरते हर जगह जा रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और उसके बाद शाम तक वो बहुत ज़्यादा थक गए और वापस आ गए। अब गांव वालों ने वो खाना बंगले में नहीं भिजवाया था, बल्कि उनका कहना था कि उन्हें खाना वहाँ घरों में खाना होगा। सुबह सुबह तो जब वो बंगले से निकले थे तो बाहर किसी जगह पर उन्होंने खा लिया था, लेकिन दोपहर का खाना घूमते घूमते वो खा नहीं पाए, उन्हें आदत भी नहीं थी, ऑफिस में इसी तरह किया करते थे, दोपहर का खाना नहीं खाते, काम करते रहते। अब यहाँ पर भी गांव वालों ने वो खाना एक बड़े से घर के अंदर भिजवाया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने बैठकर खाया। वक्त 7 बजे का हो गया था और उन्हें खाना खाने की आदत थी 9 बजे या 8:30-9 बजे वो खाना खाया करते थे। यहाँ गांव में शायद जल्दी खा लेते थे, अंधेरा होने से पहले खाना खा लेते थे, तो वो भी क्या कर सकते थे, गांव में शायद इसी तरह रिवाज हो, उन्होंने ये सोचा और वहीं पर बैठकर खाना खाने लगे। अब वहाँ पर गांव का सरपंच था, उन्होंने गांव के सरपंच को कह दिया कि कल से हमें घर में खाना दे दीजिए। अब सरपंच ने जो जो कहा था वो काफ़ी घबरा गए थे। उन्होंने कहा था कि हमने दिन के वक्त यहाँ आपके बंगले में सफाई करवा दी है, इस बंगले में रात को कोई नहीं जाता और आप जो मर्जी कर लो, रात को वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। अगर आप यहाँ आकर खाना यहाँ से ले जा सकते हैं तो आप ले जाएं, वरना यहाँ से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा वहाँ पर जाने की। उस सरपंच ने भी घबराती घबराती आवाज़ में कहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, आप शहर से आए हैं, इन चीज़ों पर कोई यकीन नहीं करता। अब हिमांशु ने कहा था, आप बताइए तो सही, हम शहर में हर चीज़ पर यकीन करते हैं, आप बताएंगे तो हम सोचेंगे, खुले दिमाग से सोचेंगे। अब सरपंच ने कहा था, उस बंगले में भूत प्रेत रहते हैं, लोगों को भूत नज़र आते हैं और तरह तरह के भूत नज़र आते हैं, जो रंग रूप बदल सकते हैं, औरतें बन जाते हैं, मर्द बन जाते हैं, तरह तरह के भूत दिखते हैं, रंग रूप उनका अलग, आकार अलग। अब हिमांशु और उसके दोस्त सुनते रहे थे। अब जो त्रिशा थी उसकी हंसी निकल रही थी सरपंच के सामने, हिमांशु बड़ा सीरियस होकर सुन रहा था, लेकिन बातें वो सरपंच ऐसा कर रहा था भूत प्रेत की कि त्रिशा तो हंसने लगी थी और वहीं से उठकर चली गई। अब त्रिशा चली गई, वो सरपंच समझ गया कि ये हंस रहे हैं, उसने कह दिया, मैंने कहा था आपको यकीन नहीं होगा। अब हिमांशु ने बातें सुन ली थी लेकिन यकीन किसी को नहीं था। अब वो दोबारा उस बंगले के अंदर चले गए, उन्होंने यहाँ 2 कमरे और खोल लिए थे, एक में त्रिशा रहती, एक में रोहित, एक में पुनीत और एक में हिमांशु, वो सब अलग अलग कमरे में रहने वाले थे। इसके बाद रात को 9 बजे तक तो त्रिशा अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि बाकी 3 एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, आज क्या क्या किया है। उसके बाद जैसे ही 10 बजे के करीब सब अपने अपने कमरे में गए, सबसे पहली घटना तो हुई वो चीख की आवाज़, तीनों इकट्ठा हो गए हॉल में। वो जो चीख की आवाज़ थी वो त्रिशा की आवाज़ ही थी, उसके कमरे में आई थी, अलग अलग कमरे से उन्होंने सुना था कि आवाज़ उसी तरफ से आई।
त्रिशा के कमरे में गए, वो सो रही थी, उसे उठाया, उसने कहा मैं तो चीखी ही नहीं, और इतनी तेज चीखी होती तो मेरी नींद है वो टूट चुकी होती, लेकिन मेरी नींद नहीं टूटी, मैं तो सो रही थी। वो घबरा गए, भाई यहाँ पर होता क्या है। अब त्रिशा अपने कमरे में चली गई, लेकिन सब अपने अपने कमरे में जाना नहीं चाहते थे, तो बाहर वो हॉल में ही बैठ गए। उसके बाद वैसी आवाज़, भारी चीज़ घसीटने की। जैसे ही घसीटने की आवाज़ शुरू हुई, वो भागकर ऊपर गए, ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ें कुछ अजीब हो रही थी, वो भूतों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन कुछ तो हो रहा था। उसके बाद वो घूमते रहे हॉलवे में, थर्ड फ्लोर तक वो गए थे। ऊपर कुछ बंजर से कमरे बने हुए थे, बंजर क्या कहूँ, जैसे जिसमें स्टोर रूम होता है ना, जिसमें कचरा वचरा रखा होता है, अच्छी तरह से रंग नहीं किया होता, टूटे फूटे से कमरे, वो तीसरी मंजिल में ऐसे कमरे थे, बहुत पुराने थे, वो टूट फूट चुके थे। नीचे वाले कमरे अब भी ठीक थे, रहने लायक थे, अमीरों वाले कमरे थे, रिहायशी कमरे थे, लेकिन ऊपर बंजर से टूटे फूटे से कमरे सामान वाले। अब वहाँ पर भी घूमकर आए और वहाँ पर सामान बिखरता। आज उन्होंने एक चीज़ का ध्यान दिया था, यहाँ पर जो दूसरी मंजिल पर जितने कमरे थे वहाँ सामान बिल्कुल टिका हुआ होता, लेकिन हिला हुआ होता। अब हिला हुआ होता कहने का मतलब, उन्होंने देखा था कल रात जब हम यहाँ पर आए थे, सामान बड़े सही से टिका हुआ था, सामने बेड लगा हुआ था, इधर टेबल लगा हुआ था, इधर सोफ़ा लगा हुआ था, झूमर लगा हुआ था। आज हर कमरे में बेड की दिशा बदली हुई, सोफे की दिशा बदली हुई, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा हुआ, हर सामान अपनी जगह पर नहीं था, अलग जगह पर था, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से टिकाया गया। अब इस चीज़ को देखकर वो घबरा से गए थे कि दिन के वक्त तो बंगले के अंदर कोई आया नहीं, यहाँ हिलने की आवाज़ आती है और सामान अलग जगह पर। उसके बाद 12 बजे तक जैसे जैसे वो अलग कमरे में जाते रहे, हर सामान हिला हुआ होता, आवाज़ें आती, वापस उस कमरे को देखते, भाई बेड की दिशा बदल चुकी होती। अभी वो जैसे पश्चिमी दिशा में बेड लगाया गया था, पूर्वी दिशा की ओर देखते हुए, अब आधे घंटे या घंटे बाद वही बेड इस दिशा में लगा हुआ। वो हक्के बक्के कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद वो तीसरी मंजिल पर चढ़ गए और दूर दूर तक गाँव को देखने लगे कि यहाँ कोई चढ़कर आता है क्या, रस्सी के जरिए आता है। वहाँ उन्हें बिल्कुल ऊपरी मंजिल पर, यानी कि थर्ड फ्लोर के भी ऊपर, उस बंजर से कमरे के ऊपर उन्हें एक औरत नजर आई। उस औरत ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल किनारे पर, छत के बिल्कुल कोने पर खड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, सुनिए आप कौन हैं, क्या आप नीचे आई थी, सिर्फ इतना कहा था, उस औरत ने ऊपर से छलांग लगा दी। अब तीनों हैरान और डर गए, घबरा से गए। जैसे ही वो भाग कर देखने के लिए गए, ऊपर उन्होंने देखा उस औरत ने छलांग लगा दी थी और नीचे उसकी लाश पड़ी थी, तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी और नीचे उसकी लाश को देखकर वो घबरा गए, खून निकल रहा था, भागकर चीखते हुए नीचे पहुंचे। अब जो त्रिशा थी वो भी उठ गई थी कि चीखों की आवाज़ क्यों आ रही है। सब बाहर पहुंचे और बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, ना खून, ना वो लाश, ना कोई निशान, ना मिट्टी उड़ी हुई, बिल्कुल सब कुछ साफ। अब वहाँ फिर से वो घबरा गए कि यहाँ हो क्या रहा है। ऊपर से किसी ने छलांग लगाई थी, सफ़ेद कपड़ों वाली औरत ने, वो क्या था, क्या वो भूत था। अब तीनों मानने लगे थे कि वो भूत ही था, क्योंकि त्रिशा ने देखा नहीं था, ना तो त्रिशा ने वो भारी चीज़ घसीटने की आवाज़ सुनी थी, ना ही उसने औरत को देखा था ऊपर से छलांग लगाते हुए, ना वो चीख सुनी थी, इसलिए त्रिशा को यकीन ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। इसके बाद वो सब हॉलवे में बैठ गए और बात करने लगे, लेकिन वहाँ सबसे अजीब चीज़ हुई कि त्रिशा की जो आवाज़ थी बातें करते करते भारी होती जा रही थी, जैसे एक लड़की की आवाज़ होती है, पतली सुंदर सी आवाज़, त्रिशा की आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही थी और हिमांशु को बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन धीरे धीरे त्रिशा की आवाज़ बहुत भारी हो रही थी, जैसे कोई मर्द बोल रहा हो, भारी आवाज़, उनसे भी भारी आवाज़ अब त्रिशा की हो गई थी। और तीनों घबरा से रहे थे कि त्रिशा तुम्हारी आवाज़ कैसी हो गई है। त्रिशा कहती, ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे मर्दों जैसी आवाज़। अब वो घबराए घबराए सवाल पूछने लगे और त्रिशा ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। अब गुस्से के साथ साथ उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। त्रिशा हमेशा मुस्कुराती रहती थी और जवाब बहुत प्यार से देती थी, इन्हीं चीज़ों पर तो हिमांशु फिदा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसके बाल बिखर गए थे, वो हमेशा एक पोनीटेल करके रखती थी, बालों को खुला कभी नहीं छोड़ती थी, अब उसने बाल खुले छोड़ दिए थे, सर के आगे बाल ला दिए थे। वो भारी आवाज़ में बोलने लगी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। अभी पुनीत ने एक सवाल पूछा था, त्रिशा तू पागल तो नहीं हो गई है, हरकतें क्या कर रही है, हमें डराने की कोशिश कर रही है, खुद को भूत साबित करना चाहती है। अब पुनीत ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे और उसे पता नहीं था इस एक्शन का रिएक्शन क्या होने वाला है।
अब त्रिशा उठी, सीधा पुनीत की छाती पर बैठ गई। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो उसकी छाती पर बैठ गई और गले को दबाने लगी। ऐसा लग रहा था उसे मारने की कोशिश कर रही हो, और उसकी उंगलियों में इतनी जान आ चुकी थी। वो पतली सी सुकड़ी सी थी, लेकिन उसकी उंगलियों में इतनी जान आ गई थी कि पुनीत का गला दबा रखा था। और पुनीत जो इतना हट्टा कट्टा था, जिम जाया करता था, उसका वजन भी लगभग 90 किलो से ज़्यादा था, वो उसे उठाकर फेंक तक नहीं पा रहा था, गला छुड़ा नहीं पा रहा था। वहां पर रोहित और हिमांशु दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से पुनीत को बचाया था। वो खींचकर त्रिशा को पीछे ले गए, कुर्सी पर बिठाया, उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, त्रिशा बोली, क्या कर रहे हो, मुझे पकड़ क्यों रहे हो, तो पागल हो गए हो, और सामने ये पुनीत कैसी हरकतें कर रहा है। पुनीत को सांस चढ़ी हुई थी, क्योंकि लगभग 15 से 20 सेकंड तक वो गले पर इस तरह से घोंट कर छाती पर बैठी हुई थी। उसकी सांस रुकी हुई थी, वो सांस ले रहा था, उसके गले से, उसके मुंह से जो लार गिर रही थी, क्योंकि सांस रुकी हुई थी इतने समय से। त्रिशा को कुछ पता ही नहीं। अब त्रिशा पूछने लगी, क्या हुआ, यहाँ मुझे क्यों पकड़ रहे हो, इसे क्या हुआ है, हुआ क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो बाहर थी। अब वहाँ वो पूछने लगे और त्रिशा के पास कोई जवाब नहीं था। त्रिशा खुद हैरान थी, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद उन्हें अपने कमरों से आवाज़ आई। अब ये वो वाला कमरा था जिसमें हिमांशु रहने वाला था, यानी पहली रात जिस कमरे में तीनों रह रहे थे। अब उस कमरे से आवाज़ आई, कोई सामान को फेंक रहा था, खींच रहा था। जैसे ही वो उस कमरे में गए, उन्हें एक काले कोट वाला आदमी दिखा। काले रंग का कोट पहन रखा था, सफ़ेद शर्ट थी, और उसका चेहरा बिल्कुल काला था। ना तो आँखें थी, ना नाक थी, बिल्कुल काला, जैसे उसने कोई मास्क पहन रखा हो काले रंग का। उसकी आंखें ना कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, और वो सामने घूर रहा था, जबकि एक हाथ से उसने बेड को एक तरफ कर दिया था। वो बेड इतना भारी था कि वो तीन जन मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। उसने बड़ी आसानी से एक हाथ से उसे एक तरफ कर दिया उनके सामने, और वो बहुत ज़्यादा डर गए। अब करें तो करें क्या, उन्होंने भागने की कोशिश की। अब वहाँ जो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा उस बंगले से बाहर आने का एक ही था, वो बड़ा दरवाज़ा, जबकि अलग अलग कमरों में खिड़कियां लगी हुई थी, और ये पुराने ज़माने की खिड़कियां थी। खिड़कियों को खोलकर भी कोई बाहर आ सकता था, कोई अंदर आ सकता था, इसीलिए पहले उन्हें लगा था कि खिड़कियां खोलकर कोई अंदर आया होगा। अब भागकर दरवाजे की तरफ, दरवाज़ा लॉक्ड। अब ये कांच का दरवाज़ा था, बीच में लोहा लगा हुआ था, लकड़ी लगी हुई थी, भारी था, इतना लगभग इतना मोटा दरवाज़ा, और ये बंद। अब बाहर से बंद है या किस चीज़ से बंद है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ना तो वो हिल रहा, बिल्कुल जैसे चिपक गया, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। उन्होंने खोलने की कोशिश की, चार जन लग चुके थे खोलने के लिए, खोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। अब ये जो खिड़की थी, सबसे पीछे वाले कमरे में एक खिड़की थी, बाकी कमरों में जो खिड़कियां थी वो दूसरे कमरों में देखने के, झांकने के लिए, बाहर हॉलवे में देखने के लिए थी। अब वो खिड़की जो बाहर की तरफ थी, बाकी ऊपर वाले फ्लोर में खिड़कियां थी। अब उस खिड़की की तरफ भागे थे, और जैसे ही उस कमरे में पहुंचे, वहां उन्हें तीन औरतें नजर आईं। अब ये जो तीन औरतें थीं, इन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, काले रंग की साड़ियाँ थीं। अब ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी, सफ़ेद बाल, और इनके बाल इतने ज़्यादा लंबे कि इनकी एड़ियों तक आ रहे थे, और पीठ इनकी तरफ थी। अब इन तीन औरतों ने उस खिड़की को जैसे ढंका हुआ था, सामने खड़ी हुई थी। अब चारों चीखते चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ, ना तो खिड़की के पार जा सकते थे, ना दरवाज़ा खुला था, भाग कर फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ भी बहुत सारे कमरे थे। अब कयामत की बात तो यह है कि जिस कमरे में जाते उन्हें कोई और नजर आता। अब एक कमरे में तो उन्हें एक बहुत ही खतरनाक सा आदमी दिखा था, जिसके शरीर पर कट थे। उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था, लेकिन उसका शरीर कटा फटा सा था। उसके हाथ में एक हथियार था, ये तलवार जैसी कोई चीज़ थी, लेकिन ऊपर से टूटी हुई थी। जैसे एक तलवार काफ़ी लंबी होती है, लेकिन ये ऊपर से आधी टूटी हुई थी, और इस तलवार को लेकर वो मारने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही वो एक बेडरूम की तरफ गए थे, वो आदमी उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पीछे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ जैसे बड़े बड़े लोहे के रॉड पड़े थे, डंडे पड़े थे, कचरा पड़ा हुआ था। अब एक औरत जो गिरी हुई थी, उसकी टांगें टूटी हुई थी, यानी टांगें उल्टी तरफ मुड़ी हुई, वो लेटी हुई चीखें मार रही थी। अब ये भी प्रेत उसे देखकर डर गए, लेकिन उसने बड़ी सी रॉड उठाकर उनकी तरफ फेंकी। अब एक एक करके वो लकड़ियाँ, वो रॉड उनकी तरफ फेंकने लगी, जैसे उनको दे रही हो कि तुम इसका इस्तेमाल करो। उन्होंने वो रॉड, वो लकड़ियाँ पकड़ी। अब वो जैसे ही उस अधकटे, यानी कि वो उस नंगे वहशी के सामने आए, वो उसे मारने लगे, जबकि वो भी उस आधी टूटी तलवार से उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। ना तो उनकी जो छड़ थी, जो डंडे थे, उसे लग रहे थे, और ना ही उस भूत की वो तलवार उन्हें छू पा रही थी।
जैसे धुएं की तरह था, उसके आर पार सब कुछ निकल रहा था और उसकी तलवार भी धुएं में हवा की तरह उनके आर पार निकल रही थी। बस डरा रहे थे वो, लेकिन कर कुछ नहीं रहे थे। वहां हर कमरे में ऐसा ही दृश्य, कोई उनकी मदद करता तो कोई उन्हें मारने की कोशिश करता, कोई उनके पीछे भागता रहता तो कहीं उन्हें बच्चे नजर आते, कहीं उन्हें बहुत ज्यादा खून नजर आता तो कहीं नीचे पानी, बिल्कुल पानी होता जिसमें आधा कोई डूबा हुआ होता और बचने की कोशिश कर रहा होता। हर जगह अलग अलग दृश्य। लगभग 2 घंटे वो पागलों की तरह वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग दृश्य दिखते रहे थे और बड़ी मुश्किल से वो नीचे पहुंचे थे। उन्होंने वो बड़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, वो खोल नहीं पाए थे। अंत में जब हिम्मत आ जाती है तब आप डर का भी सामना करने लगते। वो भागे थे उसी खिड़की की तरफ जो नीचे वाले कमरे में बाहर की तरफ निकली हुई थी। उन्होंने जैसे ही उन 3 औरतों को देखा, हाथ में डंडे थे, करती तो करते क्या, उन्होंने घुमाने शुरू कर दिए। अब वो जो औरतें खड़ी हुई थी वो भी जैसे रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी, लेकिन उनके आर पार जाया जा सकता था। बस जैसे प्रोजेक्शन होती है ना, कोई प्रोजेक्टर कोई फिल्म को दीवार पर दिखाता है लेकिन असल में वहां पर कुछ होता नहीं है, इसी तरह वो भी धुएं की तरह थी। उनके आर पार वो निकल गए, खिड़की खोली और बाहर की तरफ भागे। अब चीखते हुए गांव में जा रहे थे, वक्त आधी रात तक का हो चुका था। अब यहाँ चीखते चीखते वो बाहर की तरफ भागे और लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। अब हिमांशु सबसे ज़्यादा चीख रहा था। वहाँ गांव वाले इकट्ठे हुए, उनकी मदद करने लगे। अब उन्होंने सबसे पहले देखा इन्हें सांस चढ़ी हुई है। अब इतनी ज़्यादा सांस चढ़ी है कि सांस वापस आने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर और ज़्यादा वो हाँफते और ज़्यादा डर जाते शायद वो मर भी सकते थे, इतना ज़्यादा डरे हुए थे, उन्हें इतनी ज़्यादा सांस चढ़ी थी। अब गाँव वाले इकट्ठा हो गए, अब गांव वालों से वो बात करने लगे, हमें ये दिखा हमें वो दिखा। अब गांव वाले करते तो करते क्या, उन्होंने वहां एक कमरे में उन्हें रहने के लिए दिया। अब उन्होंने बताया कि वहां पर भूत प्रेत नजर आते हैं, सबको नजर आते हैं। अब अगले दिन उन्होंने यही मन में ठान लिया था कि यहां से अभी जाएंगे नहीं, बदला लेंगे, भूतों से बदला लेने के लिए। उनके पास पैसे तो बहुत थे, हिमांशु के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे थे। उन्होंने आस पड़ोस से जितने तांत्रिक वांत्रिक पूजा पाठ करने वाले पंडित जो भी थे उन्हें बुलाया, उस बंगले के अंदर लेकर गए, वहाँ पूजा पाठ करवाया, झाड़ फूक करवाई। अब हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा कि भाई मुझे बुलाया तो इसे क्यों बुलाया, अब इसे बुलाया हुआ है तो उसे क्यों बुलाया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बाबा हर कमरे को देख रहे। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा, लगभग दोपहर के 3-4 बजे तक चलता रहा। उसके बाद हर किसी के साथ अजीब घटनाएं सी हो रही थी। पूजा पाठ किया जा रहा था लेकिन बार बार विघ्न पड़ रहे थे, यानी कि पूजा पाठ के लिए जो हवन किया जाता है वो आग बुझ जाती। वो बाबा जो मज़ार से बुलाए हुए थे मोर पंखों के साथ कुछ कर रहे थे, मोर पंख बिखर जाते। ऐसी चीज़ें होती जा रही थी, हर किसी को बुलाया गया था लेकिन किसी का बस नहीं चल पा रहा था। बहुत समय तक ये सब करते रहे और उसके बाद सब बाहर आकर कहने लगे थे कि इस बंगले को भूतों से बचाया नहीं जा सकता। अब हिमांशु पूछने लगा, क्या हुआ? मैंने देखा है कई जगह भूत प्रेत होते हैं, मैं यकीन नहीं किया करता था लेकिन झाड़ फूक करवाई जाती थी, सब कुछ ठीक हो जाता था। यहाँ पर आप सबको बुलाया है, आप फिर भी कुछ कर नहीं सकते? सबने कहा था कर तो सकते हैं अगर 1-2 भूत होते। यहाँ भूतों की टोली है, इस बड़े बंगले में इतने भूत हैं कि उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, भगाया नहीं जा सकता। यहाँ पर कई चुड़ैलें हैं, कई भूत हैं, कई इस तरह के प्रेत हैं जो इंसानी शरीर में होते हैं। वो कटे फटे होते हैं, अधमरे कहा जाता है उन्हें, पूरी तरह से वो आत्मा निकली नहीं होती, एक अजीब सा शरीर लिए घूमते हैं। यहाँ पर पिशाच भी हैं जो आधे जिंदा है, जो यहाँ छोटी मकड़ियाँ छोटे चमगादड़ों के रूप में अंदर रह रहे हैं। हर मंजिल पर इतने प्रेत हैं कि उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, और अच्छे शायद वही होंगे जिन्होंने उनकी मदद की थी, कभी उन्हें डंडे दिए, कभी छड़ दी, कभी कुछ चीज़ों से बचाने की कोशिश की, कभी उन भूतों को आपस में लड़वाया, या इस तरह की चीज़ें उन्होंने पूरे दृश्य देखे थे। वहाँ 2-3 घंटे वो पागलों की तरह भटके थे। अब सब बाबा पंडित सबका कहना था यहाँ भूत बहुत हैं और अगर इन्हें भगाना है तो बहुत लंबा समय लगेगा, पूजा पाठ करवाया जाएगा, झाड़ फूक जो भी वो कार्यक्रम काफ़ी लंबा चलेगा, उसके बाद इस घर की शुद्धि होगी पूरे सही तरीके से। अब हिमांशु वहाँ पर ये सब करवा नहीं सकते थे, किसी एक से बदला लेना हो तो किया जा सकता है। यहाँ भूतों की पूरी टोली थी जिनसे ना तो बदला लिया जा सकता था, ना उन्हें भगाया जा सकता था। उनकी संख्या इतनी थी कि रात को वहाँ रहा नहीं जा सकता था। ये उनका पुश्तैनी बंगला था लेकिन अब ये किसी और का हो चुका था। बहुत समय वहाँ पर कोई नहीं रहा, शायद भूतों ने अपना ठिकाना बना लिया।
अब आसपास जो गांव थे पहले बंजर हुआ करते थे, अब वहां पर घर बन गए थे। अब वहां से जितने पेड़ कटे थे, जो सुनसान जगह थी, वहां से निकले भूत शायद उस बंगले में अपना घर बना बैठे थे, जिन्हें बाहर निकाला नहीं जा सकता था। अब इतने दिनों के लिए रहने आए थे हिमांशु और उसके दोस्त वहां पर, लेकिन 3 दिनों में वहां से भाग निकले। अब हिमांशु ने अपने पिता को भी ये सब बताया था और उसके पिता भी काफ़ी गुस्सा हुए थे और उनका कहना था तुम्हें वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास और जगह है, वहां पर रहो, काम करो। हिमांशु दोबारा उस गांव में नहीं गया, उस बंगले को दोबारा नहीं देखा गया और बाद में शायद खबर आई कि उस बंगले को तोड़ा जा रहा है और आसपास कुछ और चीज़ बनाई जा रही है। वहां पर अस्पताल बनना था और उन्होंने उस ज़मीन को ही दान कर दिया था कि अगर कोई कुछ कर सकता है, किसी के इस्तेमाल में आ सकती है वो ज़मीन तो लाई जाए, भला हो सकता है तो हो। अब ये कहानी हम तक ऐसे ही पहुंचाई गई थी और मैं ये कहानी आपसे इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि मैंने कभी भी कोई ऐसा घर नहीं देखा जहां पर इस तरह चुड़ैलें, पिशाच, भूत, प्रेत, तरह तरह की शक्तियां एक साथ रहती हों, वो एक दूसरे का सामना करती हों, अलग तरह से तंग करती हों और वहां पर कोई फंसा हो और ज़िंदा बचकर बाहर निकला हो। वो बहुत किस्मत वाले थे। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही खौफनाक और डरावनी भूतिया कहानियां सुनना पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इस चैनल पर ऐसी ही कहानियां लाता रहता हूं और आज की कहानी शायद थोड़ी लेंथी हो गई, यानी कि थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो प्लीज़ ये भी बताएं क्या ऐसी लंबी कहानियां सुनना भी आप पसंद करोगे या छोटी कहानियां सुनना ही पसंद करोगे। कमेंट्स ज़्यादा करें, अपनी जानकारी दें, अपने विचार दें, मैं उससे समझने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा आप क्या सोचते हैं और मैं आपको कैसे एंटरटेन कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।